लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें जनता ही जनार्दन है। और जब भी इस तरीके के चुनाव होते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों को आप देश की पंचायत या अपने राज्य की पंचायत में पहुंचाना चाहते हैं तो वोट करना पड़ता है। मजबूत सरकार को चुनने के लिए, एक स्थिर सरकार को चुनने के लिए, एक बढ़िया सरकार को चुनने के लिए घरों से जरूर निकलिएगा, वोट करिएगा। लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व में एक एक वोट कीमती होता है, ये हम सभी जानते हैं। और इसी वोट की अहमियत बताने के लिए जिला निर्वाचन विभाग हर वर्ग तक पहुंचकर मतदान की अपील भी कर रहा है। अजमेर की बात करें तो यहां पर जिला निर्वाचन विभाग युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगों के साथ साथ किन्नर समाज के पास भी पहुंचा, उनसे वोट की अपील की गई है। लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग काफी जतन कर रहा है, हर वर्ग तक पहुंचकर अपील की जा रही है। विभाग की टीम अजमेर के लाखन कोटड़ी स्थित किन्नरों की हवेली पहुंची। यहां किन्नर समाज ने खुश होकर पूरी टीम का जोरदार स्वागत किया। समाज की ओर से टीम पर फूल बरसाए गए और ढोल बजाकर उनका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर स्वीप अधिकारी गजेंद्र सिंह ने भी सभी से मतदान करने की अपील की। ये अपने जिले में इनकी जो संख्या है 273 है, कलेक्टर साहब की पूरी इच्छा थी कि यहाँ पे एक अच्छा सा कार्यक्रम हो, वो आज हमने किया है और उन लोगों को प्रेरित किया है कि उस दिन 29 अप्रैल को वोट डालने के लिए पहुंचे और वोट डालने के लिए एपी कार्ड जरूर साथ में लेकर। हमने इनको मोटिवेट किया है कि मतदान करना हमारा न सिर्फ हमारा अधिकार है बल्कि हमारी ड्यूटी भी है और उस कर्तव्य को हमें अंजाम तक पहुंचाना है। और काफी मोटिवेट हुए, काफी प्रसन्न हुए इससे। और हमने बीएलओ को भी निर्देशित किया है कि मतदान वाले दिन सभी को इसके लिए प्रेरित करें और लेकर आए और बड़े स्वागत के साथ हम इनका मतदान करवाएंगे। किन्नर समाज ने भी इस आग्रह को शालीनता से स्वीकार करते हुए जिला निर्वाचन विभाग की टीम को भरोसा दिया कि वो मतदान करने जरूर जाएंगे और लोगों से भी मतदान की अपील करेंगे। हमको मतदान मतदाता की जानकारी बताई है, हम लोगों ने मतदाता के बारे में सुना है, शपथ भी ली है कि हम मतदान करेंगे और मतदान करने के लिए जागरूक करेंगे सब लोगों को। ये लोग भी सोसाइटी का एक अंग है, अभिन्न अंग है, तो इनको भी वोट देना इनके लिए भी उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनका भी उतना ही बड़ा राइट है। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं और एक आने से ये भी होता है कि हमें भी हम इनका भी परिचय होता है प्रशासन से और हम भी इनसे परिचित होते हैं। निर्वाचन विभाग की टीम ने किन्नर समाज के सभी लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई और साथ ही उन्हें ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जानकारी दी गई ताकि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कर सके। अशोक सिंह भाटी, जी मीडिया, अजमेर। और अभी तक आपने किन्नर समाज के लोगों को घर घर नाच ते हुए गाते हुए देखा होगा। अभी आपने देखा किस तरीके से किन्नर समाज के लोगों के बीच में निर्वाचन विभाग के अधिकारी पहुंचे, उनसे वोट की अपील की गई। लेकिन किन्नर समाज का एक और ऐसा चेहरा दिखाते हैं जो वाकई में एक अनोखी मिसाल बन गया है।